हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विश्वम शर्मा, वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज हम लोग आए हैं सीएफटी के 9th लेक्चर में। इसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। सीएफटी की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको मैं लेकर आया हूं। यहां पे मैंने 4 एप्लीकेशंस को ऐड करा है, वन बाय वन करके समझेंगे कि भाई इनकी एप्लीकेशंस में क्या है। ठीक है, तो देखो सीएफटी डिस्क्राइब्स द ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डीजनरेसी इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ठीक है, देखो जो लिगेंड होते हैं उनकी, देखो जो सबसे पहले समझो कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ए एक कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या है, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड की प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके डी ऑर्बिटल्स को ब्रेक करती है दो पार्ट में, एक तरफ 3 लोअर एनर्जी में, हायर एनर्जी में ऊपर। इनको बोलते हैं ईजी, इनको बोलते हैं T2G। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनकी पहली एप्लीकेशंस है कि जो इनके डी ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, उनको ब्रेक करती है। ठीक है, अब देखो दूसरी एप्लीकेशंस क्या है, द जियोमेट्री ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सेस कैन बी नो विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी। देखो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो ये लिखा तो है, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री के बारे में बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दूसरी वाली भी। देखो तीसरी वाली क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कंपाउंड ऐसे होने चाहिए सेंट्रल मेटल एटम वाले, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या ऐसे ये वाला H2O इसके बारे में थोड़ी ना बता देगा, इसके बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताएगी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी जैसे कि निकिल हेक्साक्लोराइड या टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ना कि इन वाले के बारे में बताएगी। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताती है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, आराम से समझ गए होंगे आप। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए हैं सीएफटी को, अच्छे से एक्सप्लेन करके आए, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं हम लोगों को समझने में। अब देखो द कलर ऑफ एनी कंपाउंड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय सीएफटी। देखो सीएफटी के द्वारा हम लोग कंपाउंड्स के कलर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सीएफटी की एप्लीकेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो सीएफटी जो है खत्म हो गई पूरी तरीके से, पूरा एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने सीएफटी को, पूरी तरीके से जो है सीएफटी है वो खत्म हो गई। आप अच्छे से एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 10 से 15 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक हेडिंग इसकी मैंने कंप्लीट करवाई है, कुछ भी छूटा नहीं है सीएफटी का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।